रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य, ये दोनों नाम आपके लिए क्या सिग्निफिकेंस रखते हैं? हो सकता है आप इन दोनों के बारे में जानते भी ना हो, पर भारत के लिए इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है या भूतपूर्व है? इन दोनों ने वेदांत के ऊपर ऐसी टिप्पणियां दी थी जो आज तक भी स्कॉलर्स को अमेज कर देती है। शंकराचार्य के अलावा इन दोनों ने वेदांत पर दर्शन दिया था जिसको बोला जाता है द्वैत और विशिष्ट अद्वैत। रामानुजाचार्य के दर्शन को बीच में माना जाता है, शंकराचार्य के अद्वैत, और मध्वाचार्य का दूसरा एक्सट्रीम द्वैत का। और इन दोनों स्कॉलर्स की अच्छी बात ये थी कि जो मूर्ति पूजा है जिसको कई सारे मॉडर्न रिफॉर्मर्स नकार देते हैं, इन दोनों ने उनको माना था, सारे शास्त्रों को सही माना था। उसके साथ साथ इन्होंने भारत में कई सारे ऐसे मंदिर तीर्थ स्थली को एक्सकेवेट किया था जहां पर आज तक लोग जाते हैं। उडुपी, श्रीरंगम, 108 दिव्य देशम, ये सब इन्हीं दो की परंपराओं का रिजल्ट है। मध्वाचार्य की परंपरा को बोला जाता है ब्रह्म मध्व संप्रदाय, और रामानुजाचार्य की परंपरा को बोलते हैं श्री वैष्णव संप्रदाय। ये दोनों वैष्णव संप्रदाय है जो भगवान विष्णु को सुप्रीम मानते हुए उनकी सेवा पूजा करते हैं। धन्यवाद।